नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, शानन जल विद्युत परियोजना के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के उचित दावों को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। मंडी सांसद पर भड़के कांग्रेस विधायक। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह ने कहा, समाज को कंगना रनौत का बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को तो मुंह भी नहीं लगाना चाहिए। कंगना रनौत जैसे लोग जो अपनी आस्था की परवाह किए बगैर नफरत फैलाते हैं, उन्हें देश के नागरिकों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर की गई एक पोस्ट में कही। दालों तेल के दामों में बढ़ोतरी से फिर खाने की थाली महंगी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में एकाएक बढ़ोतरी से अब आम आदमी का बजट फिर से बिगड़ गया है। दालों तेल के दामों में बढ़ोतरी होने से खाने की थाली महंगी हो गई। गृहणियों को घर चलाना मुश्किल हो गया। एक तरफ दालों के दामों में बढ़ोतरी हुई, दूसरी तरफ खाद्य तेलों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे महिलाओं का बजट बिगड़ गया, उनके बजट के बाहर राशन की खरीद हो गई। दालों के दामों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो खाद्य तेलों के दामों में 10 से 12 रुपए के दामों में बढ़ोतरी की गई। महंगाई की दर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं आलू और प्याज के दामों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। प्रधानाचार्य हेडमास्टर सहित अब सेंटर हेड टीचर और एचटीबी स्कूल्स मिलेंगे कक्षाएं, आदेश जारी। स्कूल के प्रधानाचार्य और हेडमास्टर अपने प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त स्कूल में कम से कम एक कक्षा में अपने विषय को पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल के सेंटर हेड टीचर और हेड टीचर भी जेबीडी के समकक्ष ही अध्यापन का कार्य करेंगे। प्रधानाचार्य और हेडमास्टर सेंटर हेड टीचर और हेड टीचर के अध्यापन संबंधी कार्य को इनकी ACR व APAR में अंकित किया जाएगा। सरकार के ऐसे आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कृषि विश्वविद्यालय की 1000 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम होगी ट्रांसफर। सीएम सुक्खू बोले, जिद्दी नहीं जुनूनी हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं जिद्दी नहीं जुनूनी हूँ, मैं हर निर्णय सोच समझकर और विवेकपूर्ण ढंग से लेता हूँ। वे शुक्रवार को विधानसभा में नियम 63 के तहत विधायक विपिन सिंह परमार के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि में से 1000 बीघा भूमि पर्यटन विभाग को ट्रांसफर करने के मुद्दे पर लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान बोल रही थी। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की ये जमीन लेने का सरकार ने फैसला कर लिया है। 40 दिनों से नाले का मटमैला पानी पी रहे 600 ग्रामीण, डीसी को सुनाया दुखड़ा। सरकार की हर घर जल स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने की योजना आपदा के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। मणिकर्ण घाटी के मलाड़ा नाले में 1 महीने पहले आई बाढ़ से पानी की योजनाएं ध्वस्त हो गईं, लेकिन उसके बाद क्षेत्र के ग्रामीणों को विभाग की ओर से स्वच्छ पानी पिलाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। लिहाजा क्षेत्र के ग्रामीण इतने लंबे समय से नाले का गंदा मटमैला पानी पीने को विवश हैं, जिससे उनको स्वास्थ्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। खासकर क्षेत्र के चौकी और आसपास के करीब 600 की आबादी पूरे 38 दिनों से नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। ननेड़ आंगनबाड़ी केंद्र में वर्कर की नियुक्ति को लेकर भड़के ग्रामीण, जड़ा ताला। हमीरपुर जिले के धनेड़ आंगनबाड़ी केंद्र 1 में अन्य वार्ड से आंगनबाड़ी वर्कर की नियुक्ति करने के विरोध में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला जड़ दिया। मामले में धनेड़ पंचायत में आंगनबाड़ी वर्कर की नियुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। जानकारी के अनुसार धनेड़ में वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी केंद्र 1 में कर्मचारी की नियुक्ति कहीं और होने पर पद खाली हो गया था, लेकिन विभाग ने नादौन से एक महिला को इस आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट कर दिया, जिसका गाँव के लोग विरोध जता रहे हैं।
डोडा भद्रवाह की पवित्र छड़ी बड़ी महेश के लिए रवाना। शिव पार्वती को मायके का निमंत्रण देने आते हैं भक्त। जम्मू के डोडा भद्रवाह क्षेत्र के शिव भक्तों की छड़ी भरमौर से मणि महेश के लिए रवाना हो गई। इस छड़ी के साथ ही लगभग 1000 शिव भक्त शामिल हैं। इस छड़ी की अगुवाई महंत पन्नालाल पिछले 37 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। ये छड़ी वीरवार को भरमौर पहुंची थी, जहां पर 2 दिन रुकने के बाद माता भरमाणी में लंगर लगाने के बाद शनिवार को ये छड़ी हरसर के लिए रवाना हो गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिया एक और मौका, विद्यार्थी अब कॉलेजेस में इस तारीख तक ले सकेंगे प्रवेश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्राप्त कॉलेजेस में प्रवेश की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी। अब स्नातक व शास्त्रीय कक्षाओं में प्रवेश के लिए कॉलेजेस में 12 सितंबर तक प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार संबद्ध सभी सरकारी व गैर सरकारी कॉलेजेस में प्रवेश लेने से वंचित विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए एक और मौका दिया है। शनिवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना में कहा गया कि प्रवेश की तिथि 12 सितंबर तक बढ़ा दी गई, ताकि उन विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। नौकरी चाहिए तो 11 सितंबर को आए बिलासपुर ITI। सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड गुजरात 11 सितंबर को ITI बिलासपुर में 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों के नौकरी हेतु चयन के लिए कैंपस इंटरव्यू लेगी। 24 वर्ष से कम आयु के फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एवं डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन, शीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स या पेंटर जनरल में ITI डिप्लोमा धारक युवा इस कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। OMR शीट की स्कैनिंग पूरी, 13 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा का नतीजा जल्द। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 13 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पोस्ट कोड के तहत कुल 54 पदों को भरा जाना है। इन भर्तियों के लिखित परीक्षाओं की OMR शीट की स्कैनिंग का कार्य आयोग ने लगभग पूरा कर दिया है। ये कार्य दिल्ली की एक फर्म कर रही है। इस फर्म के जरिए भंग कर्मचारी आयोग के दौर से ये कार्य करवाया जाता रहा। कैबिनेट बैठक में 21 भर्ती परीक्षाओं का नतीजा घोषित करने को आयोग को हरी झंडी दी थी। मनवी की दीक्षा, सेना में बने लेफ्टिनेंट, पहले प्रयास में मिली सफलता। हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के मनवी गांव की दीक्षा शर्मा ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। दीक्षा चेन्नई में अपनी ऑफिसर ट्रेनिंग से पास आउट होने के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर देहरादून में आर्मी में अपनी सेवाएं देगी। दीक्षा शर्मा ने पहले ही प्रयास में शॉर्ट सर्विस कमीशन पाकर इस उपलब्धि को हासिल किया है। BSF का बर्खास्त कांस्टेबल, गोवा में साथी सहित गिरफ्तार, दुबई भागने का था प्लान। पठानकोट में एक बच्चे के अपहरण से जुड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे BSF के बर्खास्त कांस्टेबल अमित राणा और उसके साथी ऋषभ को गोवा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी दुबई भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस उन तक पहुंच गई और उन्हें धर दबोचा। बता दें कि बीते सप्ताह पठानकोट के सैली रोड स्थित शाह कॉलोनी से आरोपियों ने एक बच्चे का अपहरण किया था, जिसे उन्होंने नूरपुर के पास गांव औंद में एक पुल के नीचे छिपा कर रखा था। पंजाब हिमाचल पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर लोगों की सहायता से बच्चे को बरामद कर दो आरोपियों को अवतार और शमशेर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नूरपुर निवासी अमित राणा और उसका साथी ऋषभ मौके से भाग निकले थे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के मीडिया कोऑर्डिनेटर की खाई में गिरने से मौत। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के निजी मीडिया कोऑर्डिनेटर टिंकू जिंटा की शनिवार मध्यरात्रि खाई में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा हरिपुरधार संगदास सड़क पर हरिपुरधार हेलीपैड के समीप पेश आया। पांव फिसलने से वो अचानक खाई में जा गिरे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।